अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन तंदूरी पराठा, जिसे हम रंगूनी पराठा भी कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन, 3 मीडियम साइज के अदरक, 3 गाँठे लहसुन के, छोटी हरी मिर्च लिए 20, और स्वाद अनुसार नमक, मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक लिया है। हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च ली थी उसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से चिकन के साथ में मिक्स कर देंगे और इसको हम मैरिनेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। हमने इस चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं कि 3 घंटे के बाद हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। हम इसको इस तरीके से गैस पर रख देंगे और जाली पर सेकेंगे। हम इसको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेकेंगे। सेकने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर आपके पास जाली ना हो तो आप इस तरीके से किसी भी पतले रोल में चिकन को ऐसे लगा के उसको गैस के ऊपर सेक सकते हैं। दोनों तरफ से उसको घुमा घुमा कर अच्छे से सेक लेंगे ताकि कहीं से भी मसाला उसका जो है वो कच्चा ना रह जाए। हमारी तंदूरी अच्छी तरीके से सिक चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम पूरे चिकन को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते रहेंगे। अब देख सकते हैं कि चिकन को हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब हम पराठा बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने पराठे का आटा गूंदने के लिए 500 ग्राम जितना मैदा ले लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जितना नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो स्वाद अनुसार भी नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से धीरे धीरे इस तरीके से पानी डाल डाल कर अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। पानी हमको एक साथ में नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमारा आटा जो है जब इस स्टेज पर पहुंच जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम इस पर ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से हम ऑयल को इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारा आटा तैयार होता है तब तक हम इस तरीके से प्याज को ले लेंगे और बारीक काट लेंगे। हमने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो प्याज ली थी। अब हम इस प्याज के दाने को इस तरीके से कपड़े की मदद से निकाल लेंगे। जो प्याज का ज़्यादा का पानी होगा वह इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब हम एक बर्तन में हमने जो चिकन तैयार की थी उसको डाल देंगे। अब हम इसके अंदर हमारी बारीक कटी हुई प्याज है उसको डालेंगे। हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। इसके बाद हमें इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको प्याज, चिकन, हरे धनिया, पुदीने और गरम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इस तरीके से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब हम इस तरीके से पराठे की रोटी को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से बेल लेंगे। हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हमने इस कटोरी में 2 अंडे ले लिए थे, इसमें से हम थोड़ा सा अंडा इस पर अच्छे तरीके से डाल के उसको पूरी रोटी पर फैला देंगे।
मसाला तैयार किया था उसको इस तरीके से बीच में रख देंगे और उसको अच्छे से सेट करेंगे। अच्छे से मसाला डाल देने के बाद हमारा बाकी बचा हुआ जो अंडा था उसको हम इस तरीके से ऊपर डाल देंगे और अच्छे से पराठे में मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। हम इसको तल लेंगे। ऐसे हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे पराठा तलने के लिए। मैं पराठा तलने के लिए जो तेल लिया था वो अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें पराठे को डाल देंगे। हम अच्छे से पराठे को डीप फ्राई कर लेंगे। पराठा जो है वो एक तरफ से बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको पलट देंगे ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से सीख जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। अब इस तरीके से हम पराठे को तल लेंगे जब तक उसका कलर ब्राउन ना हो जाए। हमारा पराठा अब अच्छे से तल चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पराठे बाहर से कितने क्रिस्पी है और अंदर से हमारा चिकन है वो बिल्कुल पक चुका है। अब हमारा जो पराठा है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।